सभा को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री तेलंगाना के दौरे पर हैं और ये आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं तेलंगाना के आदिलाबाद से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जनसभा में मौजूद हैं और हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करते हुए। प्रधानमंत्री గారు వేదిక పైకి ఇప్పుడే రావడం శుభసూచకం। వారిని రాష్ట్ర అధ్యక్షులు స్వాగతం చెప్పాల్సిందిగా మనవి చేస్తా ఉన్నా। వారితో పాటు ఫైర్ సెక్టర్ గారు, ఎమ్మెల్యే గారు, అదే రకంగా ఫైర్ సురేష్ గారు, రామారావు పటేల్ గారు, కోయ బాబురావు గారు స్వాగతం చెప్పాల్సిందిగా మనవి చేస్తా ఉన్నా। దయచేసి ఎవరి స్థానాల్లో వాళ్ళు కూర్చోవాలి। అందరూ కూడా కూర్చోవాలి, దయచేసి అందరూ కూర్చోవాలి ప్లీజ్। స్వయం బాబురావు గారిని 2 నిమిషాలు మాట్లాడాల్సింది। భారత్ మాతాకి, భారత్ మాతాకి, నరేంద్ర మోదీ గారి నాయకత్వం, नरेंद्र मोदी गारी नायकत्व आदिलाबाद जिले में गत 40 संवत्सराल प्रधानमंत्री अधिकार होदलो प्रधानमंत्री राले कानी मन अभिमान नायकुडु अंदरी अभिमान नायकुडु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गारू मरी आदिवासी जिला वेनुकबड़िन जिला आदिलाबाद जिला कूडा इवाला वारी पादं मोपडं अंटे ई प्रांतमंत कूडा सस्यश्यामलमैनट्टुगाने नेनु भाविस्तुन्नानु। काबट्टी वारी पेद्दलकु प्रत्येकंगा आदिलाबाद तरपुन गौरव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गारिकि आदिलाबाद जिल्ला नुंचि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्तल नुंचि प्रत्येकंगा धन्यवादालु। अदे रकंगा राष्ट्र अध्यक्षुडु मनि किशन रेड्डी गारिकि वारि अदे रकंगा बंडी संजय कुमार गारिकि అదే రకంగా పాయల్ శంకర్ గారికి అదే రకంగా మహేశ్వర్ రెడ్డి గారికి వేదిక రామారావు పటేల్ గారికి హరీష్ బాబు గారికి ముగ్గురు జిల్లా అధ్యక్షులకు అందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు। సాబ్జీ హమారా ఆదిలాబాద్ జిల్లామే జోసో 75 సాల్ సే హమారే లోగ్ మాంగ్ ఏకియే యహాన్ సే ఆర్మూర్ తక్ లైన్ హోనా బోల్ కే లోగ్ పూరా పూచ్ రహే ఉస్కే లియే
आपको हमारे आदिलाबाद के पंचम से तरफ से आपको हम विनंती कर रहे जरूरी ये पिछड़े जिला को ट्रेन सौकर करेंगे बोल के मैं आपको गुजारिश कर रहा हूँ। वैसे यहाँ पर तेलंगाना राष्ट्र में हर पार्लियामेंट में यूनिवर्सिटीज है लेकिन यहाँ पार्लियामेंट में एक भी यूनिवर्सिटी नहीं, इसलिए यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी देना बोल के सभी उसलिए आपको विनंती कर रहा हूँ। वैसे अपना यहाँ पर एयरपोर्ट नहीं, एयरपोर्ट के लिए भी कोशिश करेंगे बोल के आपको मैं सहभारी के मेरा ना उपन्यासाने मुझे स्थानिक शासन सभ्यु पायल शंकर गारिनि रेंडु निमिषालु माट्लाडाल्सि जरुगुतुंदि। నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వం ఒక్కసారి గట్టిగా ఆదిలాబాద్ ప్రజల నుండి మోడీ గారికి ఘనంగా లేచి రెండు చేతులతోనే చప్పట్లతో స్వాగతం, మోడీ గారి నాయకత్వం। నరేంద్ర మోడీ గారికి ఆదిలాబాద్ జిల్లా ప్రజల తరపున ఆదిలాబాద్ ప్రజల తరపున స్వాగతం సుస్వాగతం। మోడీ గారి రాక సందర్భంగా వెనకబడ్డ జిల్లాగా పేరున్నటువంటి పిలుస్తున్నటువంటి ఆదిలాబాద్ జిల్లాకు మోడీ గారు రావడం ఈ జిల్లా ప్రజలంతా ఒక సంతోషకరమైన పండగ వాతావరణంలో ఉన్నారు। सर जी यहां पे 5000 लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट देने वाली एक सीसीआई सीमेंट फैक्ट्री है सर, बहुत कम खर्चों से 30 साल से वो सीमेंट फैक्ट्री बंद है सर, लगभग 6000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है सर। भाई पहली बार आदिलाबाद में भारतीय जनता पार्टी का विधायक बना हूं आपके आशीर्वाद से, मुझे वो सीमेंट फैक्ट्री के लिए आपके तरफ से लोग एक अश्योरेंस चाह रहे सर, प्लीज आदिलाबाद के लिए वो एक काम के लिए और जो मेरे को बात करने के लिए मौका दिए। एक तो टेक्सटाइल पार्क आदिलाबाद में सर, ये बहुत काटन का होता है सर, ये दोनों चीजों के ऊपर ध्यान दिए और ये मौका दिए मुझे, इसलिए धन्यवाद बात बोलता हूं। गौरवनी राष्ट्र अध्यक्ष किशन रेड्डी गारिनि भारत माता की आदिलाबाद अंटे आदिवासी अड्डा कोमरम भीम संबंध गड्ड इधी मनमंदरम मरी वीरुलकु संबंध गड्डलो पुट्टिनां काबट्टी मनमंदरम रेंडु चेतुलु पिडिकिलु बिगिंचि निनादं इव्वालि। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, श्रीवार रामचंद्र महाराज की, नरेंद्र मोदी गारी नायकत्व, नरेंद्र मोदी गारी नायकत्व, भारतीय जनता पार्टी। मन भारत देशानिके कादु यावत् प्रपंचानिकी नायकुडिगा ईरोजु प्रपंच चित्रपटंलो भारत देश गौरवान्नि मरि इनुमडिंपचेस्तू देशंलो गत 10 संवत्सरालुगा దేశం యొక్క ముఖ చిత్రాన్ని ఒక నీతివంతమైనటువంటి ప్రభుత్వము, ఒక సమర్థవంతమైనటువంటి ప్రభుత్వము, ఒక సుస్థిరమైనటువంటి ప్రభుత్వము, అభివృద్ధి లక్ష్యంగా పనిచేస్తున్నటువంటి ప్రభుత్వాన్ని, పేద ప్రజల కోసం బడు బలైన వర్గాల కోసం మరి పనిచేస్తున్నటువంటి ప్రభుత్వంగా పేరు తెచ్చుకొని ఈరోజు మూడోసారి రానున్నటువంటి పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో మరి ఈరోజు నరేంద్ర మోడీ గారు దేశ ప్రజల ఆశీస్సులు తీసుకోవడం కోసం రావడం జరిగింది। ముఖ్యంగా ఆదిలాబాద్ పార్లమెంట్ నియోజకవర్గానికి సంబంధించినటువంటి ప్రజలకు కూడా హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను। గతంలో కూడా ఇక్కడి నుంచి పార్లమెంట్ సభ్యుడిని గెలిపించడం జరిగింది। ఈసారి నరేంద్ర మోడీ గారు మరి మూడోసారి దేశ ప్రధానమంత్రిగా ఈ యొక్క అన్ని వర్గాల ప్రజల ఆశీస్సులు అందజేసి ఆయనను మనం ఆశీర్వదించాల్సిన అవసరం ఉంది। అందుకే నరేంద్ర మోడీ గారు ఈ రోజు విజయ సంకల్ప యాత్ర పేరుతో
మన తెలంగాణలో జరుగుతున్నటువంటి కార్యక్రమంలో భాగంగా ఈరోజు హైదరాబాద్ ప్రజల ఆశీస్సుల కోసం నరేంద్ర మోడీ గారు వచ్చారు. కాబట్టి మనందరం కూడా వారికి హృదయపూర్వకంగా స్వాగతం పలికి రానున్నటువంటి ఎన్నికల్లో భారతీయ జనతా పార్టీని మరి ఈ యొక్క తెలంగాణ రాష్ట్రం నుంచి 17కు 17 సీట్లు గెలిపించాల్సిందిగా నేను ఈ సందర్భంగా కోరుకుంటూ హైదరాబాద్ లో మరి ఉన్నటువంటి ఎంఐఎం సీటును కూడా ఓడించి ఈ రోజు భారతీయ జనతా పార్టీ జెండా ఎంఐఎం సీట్లో కూడా గెలిపించాల్సినటువంటి అవసరం ఉందని మనవి చేస్తున్నాను. ఈ రాష్ట్రంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ భవిష్యత్తు లేదు, కేసీఆర్ భవిష్యత్తు లేదు. కేసీఆర్ పార్టీ నిన్నటి పార్టీ, కేసీఆర్ పార్టీకి రేపనేది లేదు. ఎందుకంటే 10 సంవత్సరాలుగా కేసీఆర్ కుటుంబ పాలన తెలంగాణ ప్రజల మీద వృద్ధి చేసినటువంటి నిర్వాకము, అవినీతి, అహంకార పూరితమైనటువంటి నియంతృత ప్రభుత్వం మనం చూశాము. అందుకే ప్రజలు కేసీఆర్ పార్టీని తిరస్కరించారు. ఇక ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏదైతే అనేక రకాల హామీలు ఇచ్చి అధికారంలోకి వచ్చిందో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ హామీలు అమలు చేసే పరిస్థితి లేదు. ఏ రకంగా ఈ రాష్ట్రంలో రైతులకు మేలు చేస్తారో, నిధులు ఏ రకంగా సమకూర్చుకుంటారో, మీరు 6 గ్యారంటీలు ఏ రకంగా అమలు చేస్తారో కాంగ్రెస్ పార్టీ దగ్గర రోడ్ మ్యాప్ లేదు, ఒక కల్పన లేదు. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఓటు బ్యాంక్ రాజకీయాలు తప్ప వచ్చే పార్లమెంట్ ఎన్నికలు దృష్టి పెట్టుకొని ప్రజలను మభ్యపెట్టేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తుంది తప్ప కాంగ్రెస్ పార్టీ దగ్గర ఏ రకమైనటువంటి ఎజెండా లేదు. ఎన్నికలకు ముందు గ్యారంటీలు ఇచ్చారు, రైతులకు రైతు బంధు పెంచుతాము, రైతులకు సంబంధించి అన్ని రకాలుగా ఆదుకుంటామని చెప్పారు, నిరుద్యోగ భృతి ఇస్తామని చెప్పారు, మహిళలకు 2,500 రూపాయలు నెలకిస్తామని చెప్పారు. కానీ మనం చేస్తున్నాను ఏది కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ చేయదు. ఈ తెలంగాణ బాగుపడాలంటే తెలంగాణ మరింతగా ఒక భవ్యమైనటువంటి తెలంగాణగా నిర్మాణం జరగాలంటే వచ్చేటువంటి పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో నరేంద్ర మోడీ గారి నేతృత్వంలో అద్భుతమైనటువంటి మెజార్టీ తెలంగాణలో రావాలి. ఈ యొక్క ఆదిలాబాద్ పార్లమెంట్ లో కూడా అద్భుతమైనటువంటి మెజార్టీతో మన భారతీయ జనతా పార్టీ అభ్యర్థి గెలవాలి. అందుకే మీ అందరిని కోరుతూ ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్నటువంటి మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు మన ప్రియతమ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు మన ఉద్దేశించి ప్రసంగిస్తారు. భారత్ మాతా కీ, భారత్ మాతా కీ, భారత్ మాతా కీ. నా తెలంగాణ కుటుంబ సభ్యులందరికీ నమస్కారాలు. ఆప్ సభీ వికాస్ కే ఇస్ ఉత్సవ్ మే ఇతనీ బడీ సంఖ్య మే ఆయే హే. హమ్ సభీ ఆప్కే బహుత్ బహుత్ ఆభారీ హే. అభీ సే కుచ్ దేర్ పహలే మేనే తెలంగాణా ఔర్ దేశ్ కే వికాస్ సే జుడీ హజారో కరోడ్ రూపే కీ వికాస్ పరియోజనాఓ కా లోకార్పణ ఔర్ శిలాన్యాస్ కియా హై. కుచ్ లోగ్ ఆదత్ సే మజబూర్ హోతే హై, మెహనత్ కర్నే కీ కుచ్ ఆదత్ భీ కమ్ హోతీ హై, ఔర్ ఇస్లియే బడీ సరల్ భాషా మే కహ్ దేతే హై కీ యే తో చునావీ సభా హై. మేరే భాయియో బహనో ఔర్ మేరే కుచ్ సాథీ జో భాతి భాతి కా ఎనాలిసిస్ కర్తే హై, జరా సమ్జో ये चुनावी सभा नहीं है,
चुनाव की तो अभी घोषणा भी नहीं हुई है। आज देश में विकास का जो उत्सव चल रहा है उसमें मैं अपने तेलंगाना के भाइयों और बहनों के बीच ये विकास का उत्सव मनाने आया हूं। मेरी बात से आप सहमत हैं ना? सहमत हैं ना? इतनी बड़ी संख्या में माताएं बहनें आई हैं, आप सहमत हैं ना? मैं हिंदी बोलूंगा तो चलेगा ना? क्योंकि मैं तेलुगु में भाषण नहीं कर सकता हूं, लेकिन ये आपका प्यार है कि आप मेरी बात सुनना भी चाहते हैं, समझने का प्रयास भी करते हैं, और फिर भी इतना प्यार देते हैं, इतना आशीर्वाद देते हैं। मैं आपका बहुत आभारी हूं। साथियों, बीजेपी की केंद्र सरकार किस स्पीड से और कितने बड़े स्केल से विकास उत्सव मना रही है, ये बताने के लिए मैं आपको और देश को, और ये जो बार बार चुनाव चुनाव लिखते हैं ना, उनको खास मैं 15 दिन का हिसाब देता हूं। दे दूं आपको मेरा 15 दिन का हिसाब? दे दूं? देखिए 15 दिन में क्या क्या हुआ। 15 दिन में 2-2 IIT, 1 IIIT DM, 3 IIM और 1 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स IIS इसके कैंपस का लोकार्पण हुआ। 15 दिन में देश के अलग अलग राज्यों में 5 एम्स का लोकार्पण हुआ। 15 दिन में किसानों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी स्टोरेज स्कीम शुरू हुई। 15 दिन में 18,000 कोऑपरेटिव के कंप्यूटराइजेशन के काम पर पूरा होने का लोकार्पण हुआ। 15 दिन में सिंदरी में देश के बड़े खाद कारखाने का लोकार्पण हुआ। 15 दिन में भारत के सबसे लंबे केबल आधारित ब्रिज का लोकार्पण हुआ है। 15 दिन में रेलवे से जुड़ी 2000 से अधिक परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ। 15 दिन में ही ऑयल और गैस सेक्टर से जुड़े 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट देश को मिले हैं। 15 दिन में ही केजी बेसिन में फर्स्ट ऑयल का लोकार्पण हुआ है। वहां से निकले कच्चे तेल के पहले टैंकर को हरी झंडी दिखाई है। 15 दिन में ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट का उद्घाटन हुआ है। 15 दिन के ये काम आत्मनिर्भर भारत से विकसित भारत के निर्माण को और सशक्त कर रहे हैं। अब बताइए, ये विकास का उत्सव है कि नहीं है? ये लोगों के कल्याण का उत्सव है कि नहीं है? ये लोगों की भलाई का उत्सव है कि नहीं है? अरे चुनाव तो जब आएगा तब देखा जाएगा। मुझे तो देश को आगे बढ़ाना है। मैं सही बोल रहा हूं ना? साथियों, कल भी मैंने, अब आप देखिए ये चुनाव चुनाव करते हैं, जरा देखिए दिमाग कपाइए। कल भी मैंने दिन भर सभी मंत्री और भारत सरकार के सभी वरिष्ठ सचिव अधिकारी, यानी एक प्रकार से टॉप टीम, करीब 125 लोग, पूरा दिन भर उनके साथ बैठा और क्या किया, चुनाव की चर्चा नहीं की। वहां मैंने
विकसित भारत निर्माण के लिए एक्शन प्लान पर एक एक मुद्दे की बारीकी से चर्चा की। विकसित भारत के एक्शन प्लान पर देशभर में 15 लाख लोग अब तक अपने सुझाव दे चुके हैं। 3,75,000 से ज्यादा स्टेक होल्डर्स अब तक इसमें सक्रिय रूप से जुड़े हैं। विकसित भारत के विजन को लेकर करीब 3,000 मीटिंग हो चुकी है, 3,000 मीटिंग देश को विकसित बनाने के लिए दिन रात काम, करीब करीब 1200 यूनिवर्सिटीज ने इसमें हिस्सा लिया है। बड़ी बात यह है कि इनमें अब तक करीब 11 लाख युवाओं ने हिस्सा लिया है, अपने मौलिक सुझाव दिए हैं, जो हमारे युवा विकसित भारत के सबसे बड़े निर्माता और सबसे बड़े लाभार्थी, ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है। राष्ट्र के विकास के लिए भाजपा का यही कमिटमेंट है, जिसके कारण तेलंगाना के भी लोग पूरे जोश से कह रहे हैं, तेलंगाना के गांव गांव से आवाज आ रही है, नौजवान भी बोल रहा है, बुजुर्ग भी बोल रहे हैं, महिलाएं भी बोल रही हैं, शहर वाले भी बोल रहे हैं, किसान भी बोल रहा है, मजदूर भी बोल रहा है। अब की बार 400 पार, अब की बार नालगो बंदलो ताली। बीजेपी की वोटू वैयाले। साथियों, ये धरती रामजी गोंड और कोमाराम भीम जैसी महान विभूतियों की धरती है। आजादी के इतने दशकों तक तेलंगाना की इस धरती ने, उन्होंने जो योगदान दिया, उस योगदान को कभी सम्मान नहीं दिया गया। 2014 के बाद बीजेपी की केंद्र में सरकार ने तेलंगाना के विकास को, आदिवासी समाज के सम्मान को इतना महत्व दिया। आप मुझे बताइए, क्या बीजेपी सरकार आने से पहले कोई कल्पना कर सकता था कि एक आदिवासी महिला देश की राष्ट्रपति बनेगी? कोई कल्पना कर सकता था? पहले कभी लगता था कैसा हो सकता है? क्या कोई कल्पना कर सकता था कि भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाएगा? आदिवासियों के विकास के लिए देश में अलग मंत्रालय बनाने का काम बीजेपी सरकार ने ही किया था। आजादी की लड़ाई में जनजातीय समाज के योगदान को समर्पित म्यूजियम बनाए जा रहे हैं। ये काम भी केंद्र की बीजेपी सरकार ने शुरू किया है। हैदराबाद में जो म्यूजियम बन रहा है, हमने उसका नाम रामजी गोंड के नाम पर रखा है। साथियों,
आदिवासी समाज को सम्मान मिले, ये परिवारवादी पार्टियों को बर्दाश्त नहीं हो सकता। हमने जनजातीय समाज के लिए जब भी फैसले किए, इन्होंने उन फैसलों का विरोध करने का कोई मौका नहीं छोड़ा है। साथियों, बीजेपी आदिवासी कल्याण को, आदिवासी गौरव को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए काम कर रही है। आदिवासी समाज में भी जो लोग अति पिछड़े हैं, जो अब तक विकास से वंचित हैं, उनके लिए बीजेपी सरकार ने पीएम जनमन योजना शुरू की। इस योजना पर 24,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जाएंगे। इसका लाभ हमारे तेलंगाना के भी चेंचू, कोलम, कोंडारेड्डी, थोटी, ऐसी छोटी छोटी जो आदिवासी समाज की जातियां हैं, दूर दूर है, ये इनके लिए लाभ मिलने वाला काम है। तेलंगाना को सम्मक्का सारक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी स्थापित की जा रही है। साथियों, आज पूरे देश में मोदी की गारंटी, इसकी बहुत चर्चा है। यहां तेलंगाना के लोगों का सपना था कि टर्मरिक बोर्ड बने, था कि नहीं था? तेलंगाना के किसानों के लिए टर्मरिक बोर्ड अब एक सच्चाई बन चुका है कि नहीं चुका है? बन गया ना? मैंने कहा था कपास के किसानों की हर तरह से मदद करेंगे। बीजेपी सरकार ने कपास की एमएसपी में रिकॉर्ड वृद्धि की है। आज देश में 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क बन रहे हैं, उनमें से 1 मेगा पार्क तेलंगाना में बन रहा है। इसलिए लोग कहते हैं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरी होने की गारंटी, मोदी गारंटी अंटे गारंटी का पूर्ति है ये गारंटी। साथियों, तेलंगाना के लोग ये जान चुके हैं कि परिवारवादी पार्टियों के चेहरे अलग हो सकते हैं, लेकिन चरित्र एक ही होता है। और ये चरित्र क्या है? 2 पक्की चीजें हैं उनके चरित्र में, एक झूठ, दूसरा लूट। तेलंगाना में जैसे टीआरएस के बीआरएस बनने से कुछ नहीं बदला था, वैसे ही बीआरएस की जगह कांग्रेस से आने से कुछ नहीं बदलने वाला, क्योंकि एक ही चट्टे बट्टे के लोग हैं ये। बीआरएस ने अपनी सरकार में कालेश्वरम प्रोजेक्ट जैसे घोटाले किए, कांग्रेस की सरकार उस पर कार्रवाई करने के बजाय फाइलों को दबाकर बैठ गई। तुम भी भले, हम भी भले, तुमने खाया मैं खाऊंगा, यही करते हैं। साथियों, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टिकरण में आकंठ डूबे इंडी गठबंधन के नेता
बौखलाते जा रहे हैं। अब इन्होंने 2024 के चुनाव का अपना असली घोषणा पत्र निकाला है। मैं इनके परिवारवाद पर सवाल उठाता हूं तो इन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। अब तो कल ये कह देंगे कि तुम कभी जेल में, तुझे सजा नहीं हुई इसलिए तुम राजनीति में नहीं आ सकते, ये भी कह देंगे। तेलंगाना के मेरे भाइयों बहनों, मेरा जीवन खुली किताब जैसा है। आप मुझे देशवासी भली भांति जानते हैं, समझते हैं, मेरी पल पल की खबर देश रखता है। और कभी मैं रात देर तक जब काम करता हूं और खबर बाहर निकल जाती है तो देश से लाखों लोग मुझे लिखते हैं, बताते हैं कि इतना काम मत करिए, कुछ आराम करिए। ये प्यार भाइयों बहनों, एक सपना लेकर के बचपन में घर छोड़ा था और जब मैंने अपना घर छोड़ा एक सपना लेकर के चला था। कि मैं देशवासियों के लिए जीऊंगा, मेरा पल पल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होंगे। मेरा कोई निजी सपना नहीं होगा, आपके सपने यही मेरा संकल्प होगा। और जिंदगी खपा दूंगा तो आपके सपनों को पूरा करने के लिए, आपके बच्चों के भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए। और इसलिए देश के कोटि कोटि लोग मुझे अपना मानते हैं, अपने परिवार के सदस्य की तरह मुझे प्यार करते हैं। और इसलिए मैं कहता हूं 140 करोड़ देशवासी, यही मेरा परिवार है। ये नौजवान, यही मेरा परिवार है। आज देश की करोड़ों बेटियां, माताएं, बहनें, यही मोदी का परिवार है। आज देश का हर गरीब, ये मेरे परिवार है। आज देश के कोटि कोटि बच्चे, बुजुर्ग, ये मोदी का परिवार है। जिसका कोई नहीं है वो भी मोदी के हैं और मोदी उनका है। मेरा भारत, मेरा परिवार, मेरा भारत, मेरा परिवार, यही भावनाओं का विस्तार लेकर के मैं सपनों को संकल्प के साथ सिद्ध करने के लिए आपके लिए जी रहा हूं, आपके लिए जूझ रहा हूं और आपके लिए जूझता रहूंगा। इसलिए आज पूरा देश एक सुर में कह रहा है, मैं हूं मोदी का परिवार।
मैं हूं मोदी का परिवार, मैंने मोदी कुटुंबम। आप भी मेरे साथ बोलिए, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं नेने मोदी कुटुंबम, नेने। साथियों, आखिर में मैं तेलंगाना के लोगों को, देश के अन्य लोगों का एक संदेश भी देना चाहता हूं और गर्व से भरे हुए लोगों को मैं कहना चाहता हूं, राम मंदिर में सोने के दरवाजे हो या फिर मंदिर के स्तंभ, उनके निर्माण में तेलंगाना की भूमिका रही है और इसके लिए पूरा देश तेलंगाना के लोगों का आभार व्यक्त करता है। रामलला का आशीर्वाद पूरे तेलंगाना के लोगों पर है। हम विकसित भारत, विकसित तेलंगाना का लक्ष्य जरूर हासिल करेंगे। भाइयों बहनों, मैं आपसे यही आग्रह करता हूं कि 2047-25 साल हमारे पास है, इतनी मेहनत करनी है देश को दुनिया के समृद्ध देशों की बराबरी में ला करके खड़ा रखना। हमारे मां बाप को तो मुसीबतों में जिंदगी गुजारनी पड़ी, लेकिन अपने बच्चों को मुसीबत में जीने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। और इसलिए तेलंगाना, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, मुझे आपका अपार प्रेम चाहिए, मैं आपका प्यार का भूखा हूं और एक सेवक के नाते आपको समर्पित हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। निलबड़ी, मन मन स्थानों निलबड़ी, मोदी गारी की धन्यवाद चपाली। भारत माता की, भारत माता की, फिर एक बार भारत माता की। नरेंद्र मोदी गारी नायकत्वम